प्रदेश से 15 सितंबर को मानसून को होना था विदा, लेकिन 23 दिन बाद भी हो रही है लगातार बारिश। जी हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 सुगम। प्रदेश भर में मानसून को 15 सितंबर तक ही सक्रिय रहना था, लेकिन इस बार मानसून करीब 23 दिन और ज्यादा सक्रिय रहा है, जिसकी वजह से अब जाते हुए मानसून की बारिश आमजन के लिए आफत बनी हुई है। वहीं IMD यानी मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश में अभी एक दो दिन और मानसून सक्रिय रहेगा। जी हाँ, प्रदेश भर में जाता हुआ मानसून अपना कहर बरपा रहा है, जिसके चलते पूरे प्रदेश के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग यानी IMD का मानना था कि इस बार प्रदेश में मानसून 15 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच रहेगा, लेकिन अभी मानसून को 23 दिन ज्यादा हो चुके हैं और मानसून जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में अब जाते हुए मानसून की बारिश आमजन के लिए आफत भी बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि इस बार प्रदेश में औसत से करीब 46% तक ज्यादा बारिश हुई है। वहीं प्रदेश भर में इस बार सबसे ज्यादा बारिश प्रतापगढ़ जिले में देखने को मिली है। प्रदेश में केवल प्रतापगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर 1500 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। वहीं पिछले साल की तुलना में भरतपुर की बात की जाए तो पिछले साल शहर में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। हालांकि मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने तेज हवा और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई है। IMD का मानना है कि प्रदेश में हर बार सर्दी का मौसम नवंबर के माह से शुरू होता है, लेकिन इस बार बारिश का दौर काफी देर तक चला है, जिसकी वजह से अक्टूबर माह में ही सर्दी का दौर भी शुरू हो जाएगा। वहीं बाकी अपडेट के लिए आप 10 सुगम के साथ बने रहें।